हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप सभी अच्छे होंगे। संडे अच्छे से मनाया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश क्लास 6 के लिए। जो सेपरेट वीकली वर्कशीट है, हर सब्जेक्ट की वर्कशीट आ रही ना आपकी, तो ये पहली वर्कशीट मंडे की मंडे इंग्लिश की आएगी, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। हम एनिमल्स के बारे में आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, यानी जंगली जानवर। और जो एनिमल्स हमारे घरों में रहते हैं, उन्हें पेट एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड एंड केप्ट बाय ह्यूमंस एज वर्क एनिमल्स और फूड सोर्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी जो एनिमल ह्यूमन के द्वारा रखे जाते हैं, पाले जाते हैं फूड के लिए या वर्क के लिए, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के एनिमल हो गए, एक जो फॉरेस्ट में रहते हैं जिन्हें वाइल्ड एनिमल कहते हैं, और जिनको हम ऐसे पालते से कैट डॉग पालते हैं ना, तो इनको पेट एनिमल कहते हैं। और जिनको फूड के लिए या वर्क के लिए, काम के लिए रखते हैं, जैसे कि काऊ, फूड के लिए तो रखते हैं, दूध के लिए है ना, हैन, हॉर्स, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। लाइक ऑफ अस, जैसे हमारे घर होते हैं ना बच्चों, वैसे एनिमल्स के भी अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ फिगर दिख रहे हैं आपको। आइडेंटिफाई द एनिमल, एनिमल के नाम आपको जानने हैं। जैसे कैट, हमने इस पिक्चर को देखा तो ये कैट है और ये एक पेट एनिमल है। पेट मीन्स कि जिसको हम पालते, अपने पास रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताइए कि टाइगर है, टाइगर क्या है? वाइल्ड एनिमल है, पिक्चर को पहचानना है आपको, ठीक है। ये फॉक्स है, वाइल्ड है, डॉग है, पेट एनिमल है, पेट जिसे पालते हैं, ठीक है। बियर वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड मतलब कि जो जंगल में रहते हैं। और इसको आप ठीक कीजिए, आप यहाँ पे बल्कि पेट ना लिख के डोमेस्टिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डोमेस्टिक एनिमल। किसकी पिक्चर है बताइए? ये पिक्चर है काओ की, ठीक है। तो आपको पिक्चर को पहचानना है, सबसे पहले टाइगर, फिर फॉक्स, फिर डॉग, फिर बियर और फिर काओ। तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं जैसे टाइगर, फॉक्स एंड बियर, ये वाइल्ड एनिमल है। जिनको हम पालते हैं ऐसे घर में रखते हैं जैसे कैट और डॉग, वो पेट एनिमल है। और जिनको काम के लिए रखते हैं या फूड के लिए, जैसे काउ को हम किस लिए रखते हैं? मिल्क के लिए रखते हैं ना, तो ये डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल है। नाउ आपको मैच करना है इसको, तो आप मैच करते हैं चलिए हम लोग। तो सबसे पहले देख रहे हैं काउ, ये इनके घर दे रखे हैं और एनिमल्स के नाम हैं। तो ये जो घर दिख रहा है आपको, ये काउ का घर है, इसको शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शेड बोलते हैं। जैसे अपने घर को होम हाउस बोलते हैं ना आप, वैसे ही। तो अब ये बताइए डॉग के घर को क्या बोलते हैं, या हॉर्स के, लॉयन के, हैन के? तो डॉग के घर को, ये छोटा सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कैनल। क्या बोलते हैं? कैनल ना। हॉर्स के घर को हम बोलते हैं होम को, स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल। ठीक उसी प्रकार से लॉयन के हाउस, जो ये हाउस है, इसे डैन बोलते हैं। डैन में रहता है लॉयन, गुफा में रहता है। नाउ हैन, हैन किस में रहती है? हैन रहती है कूप में, जहाँ ये कूप कहलाता है, इसमें हैन रहती हैं सारी, ठीक है। जो भी हैंस पालते हैं उनके ये घर होते हैं, उसमें रहती हैं। स्नेक के घर को बोलते हैं होल, होल में रहता है ना स्नेक, छेद में, बिल के अंदर। तो ये इनके घर हैं। एनिमल्स पता चल गए और घर पता चल गया आप लोगों को। तो इस तरह से आपकी ये प्यारी सी वर्कशीट फिनिश होती है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल का बटन दबाना है आपको। अब कमेंट में आपको बताना है कि लॉयन के घर को, होम को क्या कहते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पक्का यही पता होगा। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।